कोकोनट ऑरेंज केक के लिए मैंने ले लिए 2 अंडे, फेंट लिया। फेंट के मैंने एक थोड़ा बड़ा बाउल है उसमें डाल लेंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप ऑयल और 3/4 शक्कर। अच्छे से मिला लूंगी। ऑयल, अंडे और शक्कर अच्छे से मिल चुके हैं। शक्कर का दाना खत्म हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा कम मैदा। मैदे के साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आपको क्लॉकवाइज ही करना है। इसे कभी भी पहले क्लॉकवाइज करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज करें, बैटर के अंदर केक के कभी भी ये नहीं करते, उसी से प्रॉब्लम पैदा होती है बाद में जिनका केक फूलता नहीं है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर मिला लिया है ऑरेंज एसेंस। मेरे पास ऑरेंज कलर था, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि हमारा केक और खूबसूरत बने। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 कप ऑरेंज जूस। आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, मिलाते जाएंगे। कप ऑरेंज जूस मिलाने के बाद देख लें हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी, बिल्कुल रेडी है ये। आखिर में मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 कप कोकोनट पाउडर और 1 टेबल स्पून ऑरेंज सीज़निंग। ये डालने के बाद स्पैचुला से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मिला लेंगे।